नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Motorola Edge 30 Fusion 5G versus Infinix Zero Ultra का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 30 फ्यूजन 5G में 6.24 इंच जबकि Zero Ultra में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 30 फ्यूजन 5G में 2.83 इंच जबकि Zero Ultra में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 30 फ्यूजन 5G में 0.29 इंच जबकि Zero Ultra में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 30 फ्यूजन 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 30 फ्यूजन 5G में 175 ग्राम जबकि Zero Ultra में 213 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 30 फ्यूजन 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 30 फ्यूजन 5G में PoLED जबकि Zero Ultra में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 30 फ्यूजन 5G में 6.55 इंचेस जबकि Zero Ultra में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 30 फ्यूजन 5G में 90.95% जबकि Zero Ultra में 90.54% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 30 फ्यूजन 5G में 402 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Zero Ultra में 387 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 30 फ्यूजन 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Zero Ultra की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 30 फ्यूजन 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Zero Ultra की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 30 फ्यूजन 5G में एड्रीनो 660 जबकि Zero Ultra में माली G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 30 फ्यूजन 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस और Zero Ultra में MediaTek Dimensity 920 MT6877T मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 30 फ्यूजन 5G में 128GB जबकि Zero Ultra में 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी 30 फ्यूजन 5G में 4400 mAh जबकि Zero Ultra में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 30 फ्यूजन 5G में 4 कलर्स जबकि Zero Ultra में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 30 फ्यूजन 5G 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Zero Ultra की तो वो 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Motorola Edge 30 Fusion 5G में 8
फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 30 फ्यूजन 5G आगे है, मेन कैमरा में जीरो अल्ट्रा आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 30 फ्यूजन 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V23 Pro 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M53 5G है, तीसरा Vivo V25 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord 2T 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।